हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आप सब इंजॉय कर रहे हैं, मैम की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करना है, ओके? तो चलिए, मैम हिंदी ग्रामर करा रही थी आपको आओ व्याकरण सीखे बुक में, लेकिन हमारा लेसन बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था, काल टेंस और टाइम भी वो हमें बताता है। तो पहले मैम ने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, आज मैम आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगी, उसके बाद उसका असाइनमेंट आपको भेजने वाली हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैम आपको यहाँ पर ओरली बताएंगी, असाइनमेंट भेजा जाएगा, असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है अपनी फेयर नोटबुक में, और फिर हम बाकी बुक वर्क भी करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, मैम ने पेज ओपन किया है, काल से आप क्या समझते हैं बताइए आप। पूरा चैप्टर रीड किया है ना, काल से आप क्या समझते हैं कि क्रिया के करने या होने के समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के करने या होने के समय को ही काल कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल गया था और मैं स्कूल जाऊँगा, ये तीनों अलग अलग हो गए ना। उसके बाद नेक्स्ट है, काल के कितने भेद होते हैं। मैम ने ऑलरेडी आपको बता रखा है काल के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल जो बीत गया है, और भविष्य काल जो आने वाला टाइम बता रहा है। फिर नेक्स्ट है, भूतकाल किसे कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, बीते हुए समय की अवस्था को भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, जा नहीं रहा हूँ, गया था, यानी आप जाके आ चुके हो, गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, भविष्य काल किसे कहते हैं। आने वाले समय की अवस्था को भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊँगा, या मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं कल गांव जाऊँगा। अभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम के बारे में कि मैं कल जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब हम अपने बुक वर्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फिलिप्स हैं, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनना है आपको, सही यानी कि कल था, क्या था, इन चारों में से ऑप्शन बताइए। रविवार, हम आज जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए जल्दी, कहाँ जाएंगे आज हम, स्कूल जाएंगे, स्कूल ही ऑप्शन है ना इसमें। के बाद है, राधा गा रही है, क्या गा रही है बताइए, गीत गा रही है। और मोहित क्रिकेट खेलता था, अब नेक्स्ट है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये कौन सा काल है बताइए, उड़ रहे हैं यानी अभी भी उड़ रहे हैं, तो ये है वर्तमान। हम कल गांव जाएंगे, गए नहीं है, तो ये हो गया भविष्य। कल वैभव लखनऊ गया था, गया था यानी जाके आ चुका है, भूतकाल। ये वर्तमान काल, ये भविष्य काल और ये भूतकाल। अबे शेर पिंजड़े में दहाड़ रहा था, रहा था आ गया ना, तो अब ये हो गया है भूतकाल। लड़की मैदान में खेल रही है, वर्तमान, अभी भी यानी कि खेल रही है।
उससे पता चल रहा है कि अभी का टाइम है, तो ये हो गया वर्तमान काल। नीचे देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, अब इसको भूतकाल में बनाना है, यानी जो बीत चुका है। राम पुस्तक पढ़ता था, हम बाजार जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा हम बाजार जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, सीता फल खाएगी, तो इसको हमें वर्तमान में बनाना है, यानी तो सीता फल खा रही है या सीता फल खाती है। हम गांव जाते थे, इसको बनाना है हम गांव जाएंगे। नेक्स्ट है पढ़ता है, इसको भूतकाल में बनाना है, तो पढ़ता था यानी जो बीत चुका है। सो रहा है, सो रहा था, सब में हमें था लगाना है, यानी बीत चुका है ना। खा रहा है, खा रहा था। नाचती है, नाचती थी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बुक वर्क। अब मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेगी क्वेश्चन आंसर्स का, जिसे अभी आपको फिर नोटबुक में करना है। नया चैप्टर लिखिए ऊपर, हिंदी व्याकरण, फिर पाठ का नाम, नंबर, पाठ का नाम, डेट, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी फिर नोटबुक में करना है। साथ साथ लर्निंग वर्क भी कीजिए। ओके, सो नाउ टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।